इस वीडियो में बात करेंगे मेरी कंप्लीट जर्नी जो कि स्टार्ट हुई थी जर्मनी में एज ए स्टूडेंट टू द जर्मन पीआर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है सचिन। बात करते हैं आज कंप्लीट जर्नी जो कि स्टार्ट हुई थी मार्च 2015 में जब मैं जर्मनी आया था। तो इससे मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूँ और बात करते हैं कि मैं जर्मनी आया क्यों था। तो मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद में मेरा जॉब स्टार्ट किया था बैंगलोर में और मैंने 2-3 साल वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद में मैं ऑप्शन देख रहा था कि आगे फर्दर स्टडीज़ करने के लिए और कौन कौन सी कंट्रीज़ में ऑप्शंस हैं। तो मेनली जब भी अपन इंडिया में रहते हैं तो अपन सोचते हैं कि भाई US या फिर UK, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के मेजरली ऑप्शन आते हैं। काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि जर्मनी में मास्टर्स कंप्लीटली फ्री है, वहाँ पर कोई भी ट्यूशन फी नहीं है। दैट वॉज अ वेरी मेजर पॉइंट टू डिसाइड अबाउट जर्मनी, बिकॉज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। काफ़ी सारे आपको स्टडीज़ के दौरान काफ़ी सारे आपके ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट जॉब करने के लिए। उसके बाद में आपको जॉब सर्च वीज़ा बहुत अच्छा मिलता है, 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। देन जर्मन पीआर की भी प्रोसेस काफ़ी स्मूथ थी यहाँ पे। तो ये सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स थे जर्मनी आने के लिए। इस वीडियो में मेरी कंप्लीट जर्नी आपको बताने की कोशिश करूँगा जो कि आप लोगों को डिसाइडिंग फैक्टर एक हो सकता है, आप लोगों को हेल्प करेगी डिसाइड करने के लिए कि आपको जर्मनी एज ए स्टूडेंट आना है नहीं आना है। और बेसिकली एज ए स्टूडेंट जब आप आते हो तो जर्मन पीआर तक आपकी क्या प्रोसेस रह सकती है, वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना। तो शुरू करते हैं कब मैं यहाँ पे आया था। तो बेसिकली मैं जर्मनी आया था मार्च 2015 में टू कंप्लीट माय मास्टर्स फ्रॉम स्टुटगार्ट इन ए पब्लिक यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी थी जिसमें कोई भी ट्यूशन फीस नहीं थी, ओनली सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन लगता था पर सेमेस्टर, जो कि अराउंड 180 यूरोज था पर सेमेस्टर। तो अगर 3 सेमेस्टर की टोटल सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन अपन चार्जेस देखते हैं तो लेट्स से राउंड फिगर में 600 यूरोज लगते थे। तो 600 यूरोज ज़्यादा नहीं होते हैं अब्रॉड से मास्टर्स करने के लिए, अराउंड 50,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में होंगे। तो आई वुड से दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट टू कंप्लीट योर मास्टर्स फ्रॉम ए पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। मैंने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही किया है, स्पेशलाइजेशन था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर। जब भी अब्रॉड में स्टडीज़ करने के लिए जाते हैं आपका पहला कंसर्न होता है कि आप मंथली एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे। जर्मनी जब आप आते हो तो ब्लॉक्ड अकाउंट के साथ आते हो। उस टाइम में ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट अराउंड 8,000 यूरोज थी, अभी अराउंड इट इज़ 10,000 यूरोज जो आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे लेके आते हो। मैं आया था तो मैंने स्टार्टिंग से ही पार्ट टाइम जॉब देखने स्टार्ट कर दिए थे सो दैट मैं मेरे मंथली एक्सपेंसेस कवर कर सकूँ, और यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस कैन बी वेरी हाई। तो जब मैं यहाँ आया था तो मेरा एम था कि जो भी मैं ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा लेके आया हूँ वो मैं एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास एटलीस्ट उतना पैसा वापस रह जाए, सो दैट इधर आई कैन सेंड इट बैक और आई कैन कीप इट फॉर द फ्यूचर नेक्स्ट ईयर्स। फर्स्ट मंथ से ही मैंने यहाँ पे जॉब देखनी स्टार्ट कर दी थी। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी ऐसा ही ट्राई करो। तो आप जब भी यहाँ पे जर्मनी आने का प्लान करें एज ए स्टूडेंट तो आप कोशिश करो कि इंडिया में जब आप हो ऑलरेडी तब से ही आप प्लानिंग स्टार्ट कर दो कि आपके सिटीज़ में आपको कौन सी सारी कंपनीज हैं, किस टाइप के जॉब्स अवेलेबल हैं और जॉब्स देख सकते हो, या फिर अपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में या इंजीनियरिंग सेक्टर में आप कोई भी जॉब वहाँ पे सर्च कर सकते हो। प्रिपेयर योर CV वेल इन एडवांस टू लेट्स से सेंड योर एप्लीकेशन एज ए स्टूडेंट इन ऑल दीज कंपनीज। तो यहाँ पे मेरी जर्नी की बात करते हैं तो मैंने स्टार्टिंग मंथ्स में ही जॉब देखनी स्टार्ट कर दी थी। मेरा जो पहला पार्ट टाइम जॉब था दैट वॉज इन ए मर्सिडीज बेंज फैक्ट्री, जिसके अंदर आपको हैवी वेट वाले बॉक्सेस उठाने, 10 to 15 kgs के बॉक्सेस होते थे जो कि एक वन प्लेस पे रखे हुए हैं एंड यू हैव टू टेक देम मैनुअली एंड देन उनको एक जगह से लेके दूसरी जगह रखना होता था। ये जॉब था नाइट शिफ्ट में जो कि स्टार्ट होता है लेट्स से 11 PM से लेके सुबह 6 बजे तक। तो 7 घंटे आपको 10-10, 15-15 kg के बॉक्सेस कंटिन्यूसली उठाने हैं। शेफ़ बोलते हैं यहाँ पे अपने बॉस को फैक्ट्रीज एंड ऑल के अंदर, तो बेसिकली शेफ़ वहाँ पे राउंड लगाता रहता है। इट्स नॉट लाइक यू कैन स्टैंड, तो आप बीच में ज़्यादा रेस्ट करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, कंटिन्यूसली आप ये सब बॉक्सेस उठाते रहते हो। इसके सिमिलर सा जॉब DHL या फिर Amazon या फिर UPS के वेयर हाउसेज में भी होता है जहाँ पे बंदे सारे ये सब हैवी वेट वाले काम करते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब। जब भी हमारी शिफ्ट एंड होती थी नाइट शिफ्ट के बाद में इन द मॉर्निंग, हम लोग सारे बंदे मेट्रो से वापस जब स्टूडेंट हॉस्टल आ रहे होते थे तो इट यूज़ टू बी वेरी यू नो डिफरेंट फीलिंग कि आज हमने कितनी मतलब हार्ड वर्क किया एंड ऑल, एंड इट्स अब्रॉड कंट्री, फॉरेन कंट्री, आप अकेले होते हो फैमिली से बहुत दूर, तो एक बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग रहती है। बट यू लर्न ए लॉट फ्रॉम ऑल दीज जॉब्स, तो उन टाइप के जॉब से हमने बहुत कुछ सीखा। मीनवाइल मैंने IT कंपनीज में भी अप्लाई करना जारी रखा, फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट बॉश हो गई, डाइमलर हो गई, BMW, एक्सेंचर, देर आर मल्टीपल अदर कंपनीज इन स्टुटगार्ट वेर यू कुड अप्लाई। सो मेरे को सेकेंड जो जॉब मिली वो एक क्लोथिंग स्टोर में थी। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे लाइफ स्टाइल या शॉपर्स स्टॉप जो अपने इंडिया में होती हैं क्लोथिंग स्टोर्स, सो उस टाइप के यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गैलेरिया काउफ़, प्रीमार्क या फिर और भी बहुत सारे। तो मेरे को जो सेकंड जॉब मिली थी एज ए स्टूडेंट दैट वाज इन प्रीमार्क, सो जिसमें मॉर्निंग टू इवनिंग शिफ्ट हो सकती है 9 AM टू 6 PM या फिर लेट्स से आफ्टरनून से 12 PM से लेकर रात तक। तो उसमें आपको कंटिन्यूसली 9 से 10 घंटे कपड़े फोल्ड करने होते हैं,
वो जॉब भी काफ़ी फन थी, उससे आपको जर्मन सीखने भी मिल सकती है क्योंकि चारों तरफ आपके लोग जो शॉपिंग कर रहे हैं वो जर्मन में बात करेंगे, मे बी आप भी उनसे बात कर सकते हो, दे विल आस्क यू कि ओके ये वाला आपको जो क्लोथ है वो किधर मिलेगा एंड ऑल। बेसिकली 8 से 9 घंटे आप कपड़े फोल्ड करते हो। आई थिंक मैंने पहले ही दिन इतने कपड़े फोल्ड कर दिए थे कि जितने मैंने पूरी लाइफ में नहीं करे होंगे अभी तक। सो दैट वॉज अ सच अ फन जॉब। एंड आपके साथ में अपने दोस्त वगैरह भी होते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि आपके दोस्त भी वहीं पे काम कर रहे हैं, तो काफ़ी फन रहता है जॉब पे। फिर मैं आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है जिसमें आप जो घर से खाना वाना बना के लेके आए हो देन यू कैन हैव इट। ये तो हो गए जो ऑड जॉब्स मैंने किए थे स्टूडेंट टाइम में। अब बात करते हैं जो मैंने आईटी का जॉब मिला फिर मुझे। सो बेसिकली मैं मार्च में, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि मैं मार्च में आया था 2015 में, तो देन अराउंड जून और जुलाई आफ्टर माई फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स मेरे को एक आईटी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिली। एंड वहाँ पे मैंने 3 मंथ्स स्टुटगार्ट के अंदर ही इंटर्नशिप करी एंड देन मैंने कंटिन्यू किया सेम ही कंपनी में एज ए वर्किंग स्टूडेंट फॉर 3 मोर मंथ्स। सो देन इन टोटल मैंने वहाँ पे 6 मंथ्स आईटी कंपनी के अंदर जॉब करी। जब भी आप एक बेसिकली कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं यू गेट टू सी की हाउ जर्मन्स आर वर्किंग, देन यू गेट टू लर्न ए लॉट फ्रॉम ऑल दीज पीपल सराउंडिंग यू। काफ़ी सपोर्टिव होते हैं यहाँ के लोग, आपको सीखने के लिए बहुत हेल्प करेंगे एंड देन दे विल ट्राई टू टीच यू एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम दियर नॉलेज। दैट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी टू कम वर्क इन ए कॉर्पोरेट कंपनी इन जर्मनी। देन आ गया मास्टर थीसिस का टाइम जो मैंने 2016 में अप्रैल के अराउंड स्टार्ट करी एंड देन इट वेंट फॉर 6 मोर मंथ्स। मास्टर थीसिस के पैरेलल में भी मैंने एक वर्किंग स्टूडेंट जॉब सर्च किया जो कि मुझे एक आईटी कंपनी में मिला। वहाँ पे बहुत ही एक डिफरेंट स्टोरी आपको सुनने मिलेगी बिकॉज जो जॉब था मेरा वो स्टुटगार्ट से 125 किलोमीटर दूर था। उसके लिए मैं सुबह 5 बजे उठता था और तैयार होता था, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बना के पैक करके अपने साथ लेता था। 5:45 आई यूज टू लीव फ्रॉम द हाउस, टेक ए मेट्रो, देन गो टू द स्टुटगार्ट मेन ट्रेन स्टेशन। वहाँ से आईसी या फिर आईसी जो हाई स्पीड ट्रेन होती है वो मैं लेके उस सिटी तक जाता था। इट यूज टू टेक सम टाइम 1 आवर, 1.5 आवर, 45 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग। सो वो एक कंप्लीट जर्नी होती थी जिसमें यार आप एज ए स्टूडेंट अब्रॉड कंट्री में बैठे हो, इतनी दूर जा रहे हो, देन यू ऑलवेज गेट अ मिक्स्ड फीलिंग कि अभी फुल टाइम जॉब का टाइम आने वाला है, देन यू आर लाइक काइंड ऑफ स्कैर्ड ऑल्सो ऑन वन हैंड साइड यू आर एक्साइटेड दैट यू माइट गेट ए फुल टाइम जॉब सूनर और लेटर। जॉब में मैं 1 वीक में मिनिमम 3 डेज वहाँ पे जाता था टू कंप्लीट माई वर्किंग स्टूडेंट जॉब। तो इस जॉब में मुझे ट्रैवल करना पड़ा वहाँ पे 6 महीने तक, तो मतलब काफी चैलेंजिंग वो चीज थी यार कि रोज सुबह उठना है, इतनी दूर जाना है एंड देन शाम में वापस आना है, और साथ में पढ़ाई भी करनी होती थी, मास्टर थीसिस के लिए भी प्रिपेयर करना होता था, जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना होता था। तो इट वाज सच अ चैलेंजिंग थिंग टू डू, बट एट द एंड इट पेड ऑफ वेल बिकॉज मुझे सेम ही कंपनी में फुल टाइम जॉब मिल गई। उसमें भी काफ़ी सारे मैंने मल्टीपल पोजीशंस पे अप्लाई किया एंड देन आई गॉट 1 जॉब। एम्प्लॉयमेंट लेटर लेने के बाद में बेसिकली आप एज ए स्टूडेंट क्या करते हो, देन यू गो टू द आउसलैंडर बिहॉर्डे ऑफिस इन योर सिटी टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट, जो कि अगर आप ब्लू कार्ड का क्राइटेरिया मीट करते हो देन यू अप्लाई फॉर ए ब्लू कार्ड। वॉज फुलफिलिंग द ब्लू कार्ड क्राइटेरिया, तो मैंने ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई किया एंड देन 3 to 4 वीक्स में मुझे मेरा ब्लू कार्ड मिल गया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट दैट पर्टिकुलर कंपनी। जब आप जर्मनी एज ए स्टूडेंट आते हो, इतने सारे सेमेस्टर्स आपके निकलते हैं, इतने सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, इंटर्नशिप, मास्टर थीसिस, ये वो, वर्किंग स्टूडेंट, बहुत सारे और जॉब्स करने के बाद में जब आपको फुल टाइम जॉब मिलती है तो इट इज़ अ रियली प्राउड मोमेंट। सो वही है कि मैंने वहाँ पे जॉब मेरी अपनी स्टार्ट कर दी, वीज़ा ब्लू कार्ड मेरे हाथ में था, इन पैरेलल मैंने जर्मन सीखना भी जारी रखा। सो बेसिकली मैंने A2 लेवल तक तब तक कर लिया था। जर्मनी जो कॉर्पोरेट वर्किंग कल्चर है इट इज़ वेरी गुड, वर्क लाइफ बैलेंस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लोग अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ को सेपरेट रखते हैं। जैसे लेट्स से आपका ऑफिस वर्किंग आवर अंटिल 5 o'clock तक है या 6 o'clock तक है, देन वंस ऑफिस आवर्स आर क्लोज इट इज़ रियली क्लोज, देन यू बेसिकली फोकस ऑन योर पर्सनल लाइफ। आप जिम जाते हो या फिर कोई जॉगिंग जाते हो, स्विमिंग जाते हो, यू गेट लॉट ऑफ टाइम फॉर योर पर्सनल थिंग्स एज वेल। ब्लू कार्ड के बाद में आता है कि जर्मन PR की स्टोरी। ब्लू कार्ड होल्डर है उनके लिए 2 ऑप्शंस हैं जर्मन PR अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज 21 मंथ्स, जब आप ब्लू कार्ड होल्डर हो, मैंडेटरी पेंशन आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपके पास में B1 लेवल का सर्टिफिकेट है एंड देन लेबन्स इन डॉयचलैंड जो कि लाइफ इन जर्मनी का एग्जाम आपने क्लियर किया है, देन यू कैन गो फॉर जर्मन PR। और सेकेंड ऑप्शन है 33 मंथ्स वाला, तो 33 मंथ्स आपके पास ब्लू कार्ड है, आपने मैंडेटरी पेंशन दी है एंड आपके पास A1 लेवल का लैंग्वेज सर्टिफिकेट है एंड लाइफ इन जर्मनी का आपने एग्जाम दे रखा है, यू कैन अप्लाई फॉर जर्मन PR। इसीलिए जैसे ही मेरे 33 मंथ्स कंप्लीट हुए मैंने जर्मन PR के लिए अप्लाई किया विद ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैं डिटेल में बात करूंगा किसी और वीडियो में ब्लू कार्ड और जर्मन PR के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप। PR मैंने अप्लाई किया था आउसलैंडर बिहॉर्डे जो आपकी सिटी का ऑफिस होता है, वीजा ऑफिस होता है वहाँ पे, और उसके बाद में मुझे अराउंड 4 to 5 मंथ्स में मेरा PR मिल गया। एंड सो ये थी मेरी स्टूडेंट से लेके जर्मन PR तक की स्टोरी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि कौन कौन से मैंने ऑड जॉब्स करे, कैसी इंटर्नशिप्स करी, कितने टाइप के वर्किंग स्टूडेंट्स जॉब करे। तो ये एक मैंने
मैंने ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है कि कैसी एक स्टूडेंट की यहाँ पे लाइफ होती है, फ्रॉम बीइंग ए स्टूडेंट टू वर्किंग एंड देन बेसिकली गेटिंग ए पीआर हियर, जो कि एक अल्टीमेटली हर कोई जो भी अब्रॉड जाता है उसका एक एम रहता है। सो अब लगता है कि वो 125 किलोमीटर की जर्नी वाली स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं थी, काफी ठंड है यहाँ पे। सो जर्मन पीआर एंड ऑल तो होता रहेगा यार, अब हम लोग वीडियोज बना रहे हैं बारिश में खड़े हो गए -2 डिग्रीज में, ताकि आप लोगों को कुछ तो मदद मिल सके। आप लोग भी जर्मनी में खड़े हो गए, कभी फ्यूचर में वीडियोज बनाओ और शेयर करो अपनी जर्नी, कैसी क्या आपकी जर्नी रही फ्रॉम स्टूडेंट टू व्हाटएवर जॉब यू गॉट, फिर आप लोग देख सकेंगे यहाँ पे इन जनरल कैसी क्या प्रोसेस रहती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर आप लोगों को कुछ भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो के थ्रू तो जरूर लाइक करना इस वीडियो को। सो बारिश में वीडियो बना रहे हैं -2 डिग्रीज के अंदर, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच, बाय।